डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय वीडियो लेक्चर। स्टूडेंट्स, कंप्यूटर ग्राफिक के आज के क्लास में हम सदरलैंड हॉजमैन पॉलीगन क्लिपिंग के कुछ थ्योरेटिकल पार्ट्स के बारे में स्टडी करेंगे। कल हमने इसका कुछ प्रैक्टिकल पार्ट देखा था, न्यूमेरिकल पार्ट देखा था, जिसके थ्रू हमने ये डिस्कस किया था कैसे किसी पॉलीगन को हम क्लिप करेंगे या कैसे डिस्कार्ड करेंगे। ठीक है, किसी विंडो के अंदर कोई भी पॉलीगन हमारा होगा तो उसे हम कैसे डिस्प्ले करेंगे और कैसे डिस्कार्ड करेंगे, ये सारी चीज़ें हमने देखी थी कल के वीडियो लेक्चर में। आज हम बात करेंगे कुछ डिटेल्ड पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम जो कि सदरलैंड और होजमैन ने प्रोवाइड किया था, और इसका थ्योरेटिकल पार्ट देखेंगे। अगर एग्ज़ाम में आ जाता तो किस तरीके से आप लिख कर आएंगे उसके बारे में आज हम स्टडी करेंगे। आइए देखते हैं। ए पॉलीगन कैन आल्सो बी क्लिप्ड बाई स्पेसिफाइंग द क्लिपिंग विंडो। एक पॉलीगन जो है वो क्लिप किया जा सकता है किसके द्वारा, एक क्लिपिंग विंडो के द्वारा, यानी क्लिपिंग विंडो के अंदर जो भी पॉलीगन का हमारा पोर्शन है वो क्लिप किया जा सकता है। ठीक है, सदरलैंड होजमैन पॉलीगन क्लिपिंग एल्गोरिथम इज यूज्ड फॉर पॉलीगन क्लिपिंग। सदरलैंड और होजमैन ने जो एल्गो दिया था क्लिपिंग का पॉलीगन के लिए, वो पॉलीगन क्लिपिंग में यूज होता है। ठीक है, कैसे यूज होता है इसके कुछ पार्ट्स को, न्यूमेरिकल पार्ट्स को मैंने लेफ्ट क्लिपिंग, राइट क्लिपिंग, बॉटम क्लिपिंग और टॉप क्लिपिंग इस तरीके से मैंने बताया था कल, और क्या क्या इसके रूल्स थे वो भी स्टडी किया था। ठीक है, इन दिस एल्गोरिथम ऑल द वर्टेक्स ऑफ पॉलीगन आर क्लिप्ड अगेंस्ट ईच एज ऑफ द क्लिपिंग विंडो। इस एल्गोरिथम में क्या होता है, जितने भी पॉलीगन के वर्टेक्स हैं वो क्लिप होते हैं पर्टिकुलर क्लिपिंग विंडो के एज के अकॉर्डिंग, एज के आधार पर जितने भी पॉलीगन के वर्टेक्स हैं वो क्लिप किए जाते हैं। फर्स्ट द पॉलीगन इज क्लिप्ड अगेंस्ट द लेफ्ट एज। सबसे पहले जो पॉलीगन क्लिप होगा वो लेफ्ट एज की तरफ से क्लिप होता है पॉलीगन विंडो के। ठीक है, जैसा कल मैंने बताया था कि कोई पॉलीगन विंडो है उसके लेफ्ट साइड से आप ये देखेंगे जो भी आपका ऑब्जेक्ट बना हुआ है या पॉलीगन बना हुआ है वहाँ कौन सा पोर्शन पॉलीगन का हमारा विजिबल है और कौन सा हमें डिस्कार्ड करना है, यानी कितना पोर्शन हमें क्लिप करना है और कितना डिस्कार्ड करना है। विंडो के अंदर का जो पार्ट होगा, पोर्शन होगा, वही क्लिप होगा, बाहर का पार्ट क्लिप नहीं होगा, वो डिस्कार्ड हो जाएगा। तो सबसे पहले हम लेफ्ट एज पर देखेंगे पॉलीगन विंडो टू गेट न्यू वर्टेक्सेस ऑफ द पॉलीगन। नई पॉलीगन की नई वर्टेक्स लेने, नई वर्टेक्स क्या होगी, मान लीजिए कुछ हिस्सा पॉलीगन का बाहर है, तब हम एक इंटरसेक्ट पॉइंट जो बनाते हैं, कल मैंने बताया था B1- और B2- करके इंटरसेक्ट पॉइंट के थ्रू नई वर्टेक्स हम उसकी क्रिएट करते हैं, देन क्लिप करते हैं। दीज न्यू वर्टेक्सेस आर यूज टू क्लिप द पॉलीगन अगेंस्ट राइट एज। और ये जो नई वर्टेक्स क्लिप होती है उसके अकॉर्डिंग हम राइट एज को की वर्टेक्स क्लिपिंग करते हैं, देन टॉप एज की, देन बॉटम एज की क्लिपिंग हम करते हैं। एज सोन ऑफ द फॉलोइंग फिगर, आगे मैंने एक स्ट्रक्चर बनाया है, फिगर बनाया है, उसमें देखेंगे किस तरीके से हम इसकी क्लिपिंग करते हैं। ये देखिए, ये जो क्लिपिंग विंडो है उसके ऊपर एक पॉलीगन बना हुआ है, जो स्टार बना हुआ है, एक पॉलीगन है। तो जब हम लेफ्ट साइड से लेंगे तो स्टार का जो कॉर्नर बाहर निकल रहा है उसको हम डिस्कार्ड करेंगे, और जो इंटरसेक्ट पॉइंट है जो इस एज पर इंटरसेक्ट हो रहे हैं वर्टेक्सेस, उनको इंटरसेक्ट पॉइंट लेकर फिर हम क्लिपिंग करेंगे। व्हाइल प्रोसेसिंग एन एज ऑफ पॉलीगन विद क्लिपिंग विंडो, जब हम क्लिपिंग विंडो के साथ एज पॉलीगन की एज को क्लिपिंग करेंगे, प्रोसेस करेंगे, एन इंटरसेक्शन पॉइंट इज फाउंड इफ़ एज इज नॉट कम्प्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। अगर जो भी हमारा पॉलीगन है उसकी एज कम्प्लीटली अंदर नहीं है विंडो के, मतलब ये देखिए इसके पाँचों कॉर्नर जो हैं वो बाहर निकलना है। ठीक, अगर बाहर निकलना है तो हमें क्या करना होगा, इन पाँचों कॉर्नर के लिए लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम इस सीक्वेंस में क्या करना होगा, इंटरसेक्ट पॉइंट इसके फाउंड करने होंगे। ठीक है, इफ़ एज इज नॉट कम्प्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो द एंड द पार्शियल एज फ्रॉम द इंटरसेक्ट पॉइंट टू द आउटसाइड एज इज क्लिपिंग। और जो इंटरसेक्ट पॉइंट के बाद जो आउटसाइड एज है वो डिस्कार्ड हो जाएगी और इनसाइड एज जो क्लिपिंग विंडो की है वो क्लिप हो जाएगी। द फॉलोइंग फिगर सो लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम
एज क्लिपिंग। अपने अगले फिगर में मैंने ये शो किया है कि किस तरीके से हमारी क्लिपिंग वन बाय वन होगी। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम क्लिपिंग लेफ़्ट एजेस, फिगर फर्स्ट में लेफ़्ट एज को क्लिप किया, लेफ़्ट में जो कॉर्नर हमारी पोर्शन बाहर निकल रहा था उसे क्लिप कर दिया और वो अंदर की जो इंटरसेक्ट पॉइंट हमें एक मिल गया। ठीक है, लेफ़्ट क्लिपिंग हो गई। देन उसके बाद क्लिपिंग राइट एजेस, फिर राइट एज को क्लिप किया। ठीक है, देखिए राइट एज और लेफ़्ट एज, लेफ़्ट और राइट दोनों के जो पोर्शन बाहर थे विंडो के वो हमारे यहाँ से डिस्कार्ड हो चुके हैं। देन टॉप एज को हमने क्लिप किया है तो टॉप का जो पोर्शन था वो भी डिस्कार्ड हो गया है पॉलीगन का। देन बॉटम एज में जो बॉटम के दो पोर्शन थे जो पॉलीगन के वो बाहर जो बाहर थे विंडो से उन्हें भी डिस्कार्ड कर दिया गया, यानी कि विंडो के अंदर की जो एजेस थी उन्हें अपने अपने इंटरसेक्ट पॉइंट फाइंड करके जो पोर्शन पॉलीगन का विंडो के अंदर था वो विजिबल हो गया, उसे क्लिप कर लिया गया है। ठीक है, क्लियर। टेक्स्ट क्लिपिंग की बात करते हैं। टेक्स्ट क्लिपिंग में वेरियस टेक्निक्स होती हैं। ठीक है, वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू प्रोवाइड टेक्स्ट क्लिपिंग। अब टेक्स्ट क्लिपिंग क्या होती है? ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक में टेक्स्ट, मान लीजिए कोई टेक्स्ट हमने टाइप किया है किसी भी विंडो में, विंडो के अंदर या बाहर या कैसे भी, जैसे हम लाइन के बारे में हमने पढ़ा था, लाइन अगर कम्प्लीटली इनसाइड है तब वो क्लिप हो जाएगी, इनसाइड आउटसाइड है तब वो क्लिप और तरीके से होगी, और आउटसाइड इनसाइड है तब और तरीके से क्लिप होगी, और कम्प्लीटली आउटसाइड है तब वो क्लिप एक्सेप्टेड नहीं होगी। ठीक है, तो इसी तरीके से जब हम टेक्स्ट की बात करेंगे, मान लीजिए हमने कोई नाम किसी विंडो के अंदर लिखा है और वो क्लिप होगा नहीं होगा, ये हम उसके क्लिपिंग विंडो के एरिया के अंदर अगर वो आ रहा है तब हम उसको क्लिप करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, उसके भी हम इंटरसेक्ट पॉइंट निकालने के बाद ही क्लिप करेंगे। वेरियस टेक्निक्स आर यूज टू प्रोवाइड टेक्स्ट क्लिपिंग इन ए कंप्यूटर ग्राफिक्स। कंप्यूटर ग्राफिक्स में टेक्स्ट क्लिपिंग प्रोवाइड करने की कई टेक्निक हैं। इट डिपेंड्स ऑन द मेथड्स यूज्ड टू जनरेट कैरेक्टर्स एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द पर्टिकुलर एप्लीकेशन। ये डिपेंड करता है कि कैरेक्टर जनरेशन का मेथड कौन सा यूज हुआ है और पर्टिकुलर एप्लीकेशन की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, देयर आर थ्री मैथड फॉर टेक्स्ट क्लिपिंग विच आर लिस्टेड ब्लो। तीन मैथड हैं टेक्स्ट क्लिपिंग के। सबसे पहला मैथड है ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, सारे या एक भी स्ट्रिंग क्लिप ना हो। ऑल और नन करेक्टर क्लिपिंग, सारे या एक भी करेक्टर क्लिप ना हो क्लिपिंग। देन टेक्स्ट क्लिपिंग, तीन टाइप हैं इसके, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल और नन करेक्टर क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, ऑल और नन स्ट्रिंग करेक्टर क्लिपिंग एंड टेक्स्ट क्लिपिंग। सबसे पहले देखेंगे जो पहला टाइप है, द फॉलोइंग फिगर शोज ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग। इसमें हम ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग को देखेंगे। देखिए मान लीजिए क्लिपिंग से पहले हमारे पास दो स्ट्रिंग थे, स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू। स्ट्रिंग वन था जो कि हमारा आउटसाइड टू इनसाइड था। ठीक है, इस तरीके से मतलब क्लिपिंग विंडो के आधा बाहर था आधा अंदर था, और स्ट्रिंग टू कम्प्लीटली इनसाइड द क्लिपिंग था। तो जब इसकी बात आती है ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग, इसमें क्या होगा, या तो पूरा स्ट्रिंग क्लिप होगा या एक कुछ भी नहीं क्लिप होगा। ठीक है, ये जो पहला टाइप है ऑल और नन स्ट्रिंग, ऑल मतलब सारा यानी कम्प्लीटली वो क्लिप होगा, या फिर नन स्ट्रिंग यानी कि स्ट्रिंग बिल्कुल भी क्लिप नहीं होगा। ठीक है, इन ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग मेथड आइदर बी कीप द एंटायर स्ट्रिंग, या तो हम पूरा स्ट्रिंग क्लिप करें कीप रखें, और बी रिजेक्ट एंटायर स्ट्रिंग बेस्ड ऑन द क्लिपिंग विंडो। क्लिपिंग विंडो के आधार पर हम ये तय करेंगे कि या तो हम एंटायर स्ट्रिंग को क्लिप कराएं या फिर हम बिल्कुल ना कराएं, रिजेक्ट कर दें एंटायर स्ट्रिंग को। ठीक है, एज सोन इन द एबव फिगर, जैसा कि इस फिगर में दिखा हुआ है, स्ट्रिंग टू इज एंटायरली इनसाइड द क्लिपिंग विंडो। जो स्ट्रिंग टू है वो क्लिपिंग विंडो के अंदर है कम्प्लीटली। ठीक है, सो वी कीप इट
तब हम इसे क्लिप करने के लिए एक्सेप्ट कर लेंगे, ठीक है। एंड स्ट्रिंग वन बींग ओनली पार्शियली इनसाइड द विंडो, तो और जो क्लिप वन है वो पार्शियली इनसाइड है विंडो के, यानी कि उसका कुछ हिस्सा विंडो के अंदर है, तब हम क्या करेंगे, बी रिजेक्ट, तब हम उसे रिजेक्ट कर देंगे। ये होता है किसमें, ऑल और नन स्ट्रिंग क्लिपिंग के अंदर, ठीक है। ये तो क्लियर। अब सेकेंड, ये देखिए एक एग्जांपल है, द फॉलोइंग फिगर शोज टेक्स्ट क्लिपिंग। टेक्स्ट क्लिपिंग की में देखेंगे, अगर टेक्स्ट क्लिपिंग की बात की जाए तो स्ट्रिंग का जो भी हिस्सा, जो भी अल्फाबेट बाहर जा रहा है वो क्लिप नहीं होगा, विंडो के अंदर की सारी चीज़ें क्लिप हो जाएंगी, जैसा कि इसमें दिखाया गया है। देखिए, ठीक है, या तो देखिए विंडो के अंदर जो भी चीज़ स्ट्रिंग के टेक्स्ट होगा वो क्लिप होगा, और जो बाहर है वो क्लिप नहीं होगा। ये टेक्स्ट क्लिपिंग का फिगर है, ओके। तो इस तरीके से हमें ये पता चला कि क्लिपिंग हम किस तरीके से करते हैं। दोबारा इसको समझते हैं हम, आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको सदरलैंड होजमैन पॉलीगन क्लिपिंग अच्छे से समझ में आ गया होगा, एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे प्रिपेयर करिएगा। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।